अमरावती के जमील कॉलोनी चौक पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर के हाथों अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुफ्ती फिरोज खान कासमी, प्राध्यापक इश्तियाक अहमद, ख्वाजा मसरूर रहमत प्रमुखता से उपस्थित रहे। शुभारंभ में आए सभी मेहमानों का अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद आफाक और डॉक्टर अर्शी इश्तियाक, डॉक्टर सैयद आमिर और डॉक्टर हुमा आमिर ने स्वागत किया। समारोह का संचालन सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सिद्दीकी ने किया तो वहीं आभार प्रदर्शन सैयद आमिर ने किया। प्रस्तावित भाषण में अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद आफाक ने कहा कि उनके पिता डॉक्टर आबिद खान ख्वाब था कि अमरावती में उनका एक हॉस्पिटल हो जहां मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। आज उनके नाम से अस्पताल की शुरुआत करके उन्हें दिली खुशी मिली है। इसी तरह पश्चिमी क्षेत्र की पहली एमडी मेडिसिन और अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अर्शी इश्तियाक ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि क्षेत्र के सभी लोगों को अपने हॉस्पिटल में अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करें। अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर शहर की कई बड़ी हस्तियों ने अलाबिद रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद आफाक और उनकी पत्नी डॉक्टर अर्शिया इश्तियाक को शुभकामनाएं दी। रेम्बो, रेम्बो के माना आते हैं धनक के। ये कब निकली थी धनक? सबसे पहले दुनिया में धनक कब आई? इसके कलर्स बतला रहे हैं कि रेम्बो क्या है। भाई आगे तो थोड़ा सा मूड बन गया मेरा, इसलिए मैं दो मिनट और लूंगा और कोई मसला ही नहीं है, मेरे अपने हैं सब। तो ये रेम्बो जो है, रेम्बो कहते हैं धनक को और बहुत से अध्याय में इसको इंद्रधनुष कहा गया है। अरबी किताबों में कौसे कुजह कहा गया है, अंग्रेजी में इसे रेम्बो कहा गया है, उर्दू में इसे धनक कहा गया है। जिस वक्त सबसे पहला, जैसे अगर हम सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या पुरानी अगर मनु पढ़े तो उसमें अपने को मिलता है कि सारी जमीन में तूफान आया। हमारी अरबी किताबों में मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया तो सारी जमीन पर पानी ही पानी था और सारी इंसानियत डूब गई थी सिवाय चंद के जो हजरत नूह की कश्ती में सवार हुए थे, आपकी बोट में सवार हुए थे। तो अब 180 दिन तक पानी ही पानी था पूरी दुनिया में। अब सब डर रहे थे कि ये बंद कब होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर ये रेम्बो जारी की थी धनक कि अब तुम्हारे लिए अमन है, अब तुम्हारे लिए मजीद बारिश नहीं होगी, ये पानी थम जाएगा और तुम्हारी कश्ती पहाड़ पर रुक जाएगी। तो ये रेम्बो निकलने के बाद में जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी थी। ये रेम्बो के जरिए से बताया गया था कि अमन ही अमन है। मैं समझता हूँ इस दवाखाने के बनने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए अमन ही अमन होगा, इंशाअल्लाह बाबरकत होगा, जैसे नाम है इंशाअल्लाह वैसे काम भी होगा। मेरी अपनी गुजारिश है कि अपने इलाज अब हम अंधश्रद्धा से बाहर आ जाए। अंधश्रद्धा ये इलाज से दूर कर देती है, आपको लीमू में ढकेल देती है, मिर्ची में ढकेल देती है, धुनक में ढकेल देती है, आपको पलीतों में, आपको चरागों में। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल गलत है, किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त भी है, लेकिन जो आजकल के माहौल में कारोबार होकर के बैठे हैं उन्होंने लोगों को साइंस से दूर कर दिया है। इतनी और टेक्नोलॉजी आने के बावजूद लोग पता नहीं क्यों वो बुखार को भी कोई और चीज समझ लेते हैं, वो कोरोना में भी नई कोरोनोलॉजी निकाल लेते हैं, समझ में नहीं आता। हमारा ये काम है, ये साइंस का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इससे पूरा पूरा इस्तेफादा कीजिए। शायर मशरिक हजरत इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इम्तिहान और भी है। तू इसी गोले का बासी नहीं है, इसके अलावा इस मंडल में और सौर में पता नहीं तेरी तरह कितने गोले घूम रहे हैं और जी रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है। अभी देखिए चंद्रयान फतह कर लिया है हम हिंदुस्तानियों ने, अब इसके आगे सूरज के करीब जाने की तैयारी है। तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी सोच फिर से जगह पर ही है।
ठीक है, पढ़ना, दम करना, फूकना अपनी जगह हो सकता है, लेकिन वो हर मर्ज का इलाज नहीं है। ये हॉस्पिटल है, ये दवाखाने हैं जहाँ बीमारियों की तशखीस होती है। बस एक बात कहकर के अपनी बात ख़त्म करूँ। एक ज़माने में बीमारी कैसे परखी जाती थी, ये हाथ पकड़ा, ये हमारे माशाल्लाह डॉक्टर साहब मौजूद है, हमारे इलाके की मशहूर हस्ती, ये नब्ज पकड़ी और अंदर क्या चल रहा है उसको बतला दिया। ये तीन उंगलियां होती थी और यहाँ से गुजरने वाली रग उसको जो है तो डॉट रग कहा जाता था, उस पर तीन उंगलियां रखी जाती थी, बीच की उंगली उठाते थे, नीचे की दो उंगलियां रखते थे और उसको घड़ी से मिलाते थे। अगर ये एक मिनट के अंदर 100 से ज़्यादा मरतबा धड़क गई तो समझ लेते थे कि हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे वो धड़कन अंदर आती थी वो समझते थे कि दिल कमज़ोर है। अब दिल जब कमज़ोर होता है तो क्या क्या कमज़ोर होता है उससे बीमारी का नाम आपको बता दिया जाता था। ये एक तरीका था, लेकिन उस ज़माने में मशीनरियाँ नहीं थी तो लोग अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल करते थे जो आपको आज कंप्यूटर बताता है उस ज़माने में दिमाग बताया करता था। दिल्ली में एक हकीम थे, हिंदुस्तान में एक हकीम गुजरे हैं, शाह मसीहुल मुल्क, जिसका नाम हकीम अजमल खान साहब। वो हकीम अजमल थे, वो बहुत ज़हीन थे। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में एक नाबीना अंधे हकीम थे, वो किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ते थे पर्दे की वजह से, लेकिन किसी मर्द का हाथ पकड़ते थे, वहाँ कोई पर्दा नहीं था। तो जब किसी औरत को देखना होता था तो हिजाब और पर्दा है, उसको अच्छा नहीं लगेगा उसके शोहर को कि कोई उसकी कलाई हाथ पकड़े, तो इसलिए वो नब्ज पर, नस पर धागा बांधा करते थे और उसको पर्दे के पीछे बिठा देते थे और धागे पर फिर वो अपना सारा खेल करते थे। इसकी धड़कनों को उस पर महसूस करते थे और ठोंके देखते थे। लोगों ने कहा कि ये नहीं, ये ऐसे ही हाँकते हैं। तो उन्होंने एक दिन ये किया, कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे एक भैंस ला करके खड़े कर दी और भैंस के पैर में एक धागा बांध दिया और वो धागा हकीम साहब के हाथ में दे दिया और उनसे ये कहा कि ज़रा देखिए हमारी बीवी की तबीयत ख़राब है। उन्होंने यूँ उंगलियाँ की और कहा कि ये पहला विचित्र पेशेंट देखा है मैंने कि ये तुम्हारी बीवी को घास खिलाने की ज़रूरत है, उसका पेट घास मांग रहा है। आप बताइए कि दिल दिमाग उस जमाने में कितने ज्यादा चौबंद थे, लेकिन इस जमाने के अंदर वो दिमाग कंप्यूटर बनकर के सामने आ गया है, एक्सरे मशीन बनकर के सामने आ गया है, एमआर मशीन बनकर के सामने आ गया है। ये सारी मशीनरियां जो आई है, सीटी स्कैन वगैरह, ये सारे हमारे दिमाग के करिश्मात है जो अंदर से निकल करके बाहर आई है। मैं दरख्वास्त करूंगा इसका इस्तेमाल कीजिए और इस इलाके के लिए खुशखबरी है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह MD MBBS और पता नहीं बहुत सारे फॉर्म्स आपके सामने रखे हैं कि सब आ रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि इन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता हो। हम सब मिलकर के दुआ करें, आमीन बिरहमती के।